हेलो फ्रेंड्स, आज मॉडल चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और ये जो वीडियो है वो एक तरह से मॉडल्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम लोग मॉडल्स को कई कॉन्टेक्स्ट में, कई डिमेंशन में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स रेज करते हैं, जो उनकी चीज़ें आती रही हैं, उसकी तरफ मैं थोड़ा इशारा करूं, तो वो ये है कि जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो इससे मिलते जुलते होते हैं और स्टूडेंट्स क्लास में इस वर्ड्स को विशेष रूप से जानना चाहते हैं। मैंने इकट्ठे बोर्ड पर इन शब्दों को लिखा भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि इससे जुड़ा हुआ कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी एम्बिग्युइटी स्टूडेंट के दिमाग में न रहे। जैसे मैं एक शब्द है मोड, मोड है ए पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग। पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग को हम लोग कहते हैं मोड। इसका ग्रामर के शब्द से कोई लेना देना नहीं है, एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मीनिंग जानना चाहिए आपको कि पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग। दूसरा फिर एक और शब्द है जो साहित्य का शब्द है, लिटरेचर का शब्द है, वो है मूड, मीनिंग है द वे समबडी फील्स एट ए पर्टिकुलर टाइम, द वे समबडी फील्स एट ए पर्टिकुलर टाइम, इसको हम लोग कहते हैं मूड। जैसे हम कब लोग बातचीत में कहते हैं सी इज नॉट इन ए गुड मूड, तो ये हमारा मूड हुआ। एक तीसरा शब्द हमने रखा है आपके लिए मॉट। ये मॉट जो है ये है एब्रीविएटेड फॉर्म फॉर मॉडरेट। देखिए यहां फॉर मॉडरेट। फिर अब आगे आइए तो एक शब्द आता है मॉडल। अब देखिए मॉडल है एम ओ डी ई एल एंड दिस इज मॉडल, ये है इसकी स्पेलिंग देखिए एम ओ डी ए एल और ये मॉडल है। यहां एस, चूंकि मॉडल नाउन भी है तो इसको मैंने एस लगा के इसको प्लूरल बना दिया है। द वर्ड इज बेसिकली द वर्ड इज मॉडल, एस लगाने के बाद ये मॉडल्स प्लूरल हो गया है। अब यहां मॉडल देखिए एम ओ डी ई एल है जिसका मीनिंग है स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग, इसको हम लोग मॉडल कहते हैं। और इसके बाद अब शब्द हम लोग यहां आ जाए, ये है मॉडल जिसकी चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। तो ये एक ग्रामेटिकल टर्म है मॉडल, जिसका मीनिंग भी आपको जानना चाहिए, वो है एक्सप्रेसिंग द डिफरेंस ऑफ मूड बिटवीन पॉसिबिलिटी एंड एक्चुअलिटी। एक्सप्रेसिंग द डिफरेंस ऑफ मूड बिटवीन पॉसिबिलिटी एंड एक्चुअलिटी, वास्तविकता और संभावनाओं के बीच के अंतर को जब एक्सप्रेस करने की बात होती है तो उसी को हम लोग मॉडल कहते हैं। इसकी मदद से हम लोग एक्शन या स्पीकर के मूड को एक्सप्लेन करते हैं। तो मूड से थोड़ा इसका संबंध है, बिकॉज इन एवरी सेंटेंस इन विच मॉडल्स आर यूज्ड वी डोंट डू एनीथिंग, वी जस्ट डू वन थिंग दैट वी एक्सप्रेस द मीनिंग, डिस्टिंग्विश्ड मीनिंग ऑफ एक्शन, Giving the difference between the possibility and actuality. तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है, ये है हमारा मॉडल। उसके बाद एक शब्द ने और दिया है मॉडलिटी। मॉडलिटी का है कि द पर्टिकुलर वे इन विच समथिंग एग्जिस्ट्स। इस जगत में कोई भी चीज की जो यत्ता है, जो अस्तित्व है, और वो एक खास तरह में उसका अस्तित्व है, खास स्थिति में है, उस स्थिति में उसके अस्तित्व को हम कहते हैं मॉडलिटी। अब जैसे मान लीजिए किसी का ट्रीटमेंट हो रहा है और उस ट्रीटमेंट में कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा है मरीज के कंडीशन में, पेशेंट के कंडीशन में, तो ऐसी स्थिति में
डॉक्टर्स या और लोग जो इकट्ठा होते हैं इस पर विचार करने के लिए, तो कहते हैं कि नाउ वी शुड शिफ्ट टू डिफरेंट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। माने अभी तक जो ट्रीटमेंट का जो एक तरीका था उसको हम लोग चेंज करें, नाउ इट्स द नीड ऑफ द टाइम बिकॉज द पेशेंट इज एंड द कंडीशन ऑफ पेशेंट इज डिटेरियोरेटिंग एवरी डे। तो क्या करना है, वी हैव टू ब्रिंग ए चेंज इन द मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये हमारा हो गया मोडेलिटी, एंड दिस इज मॉडली, दिस इज द एडवर्ब ऑफ मॉडल। मॉडल हमारा नाउन भी है, मॉडल हमारा एडजेक्टिव भी है। जब ये अकेला होता है तो ये नाउन होता है, जैसे वहां देखिए टॉपिक है मॉडल्स, नाउन है वही प्लूरल होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव भी है। जब हम इस्तेमाल करते हैं मॉडल ऑक्सिलियरीज एक शब्द कंपाउंड वर्ड, फिर हम कहते हैं मॉडल वर्ब। इन दोनों जगहों पर मॉडल जो है सो नाउन नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक नाउन लगाया गया है मॉडल वर्ब या मॉडल ऑक्सिलियरी या ऑक्सिलियरीज, तो वहां मॉडल क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। तो ग्रामेटिकली इसके स्टेटस को हम जाने कि मॉडल या तो नाउन हो सकता है, वर्ब नहीं हो सकता, ये नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो जाता है। यहां हमारा नाउन है, और जहां हम बोलने के एक्सप्लेन करने के क्रम में जिसे हम यहां देखेंगे मॉडल वर्ब हमने लिखा है, अब यहां मॉडल वही मॉडल नाउन नहीं है, ग्रामेटिकली स्टेटस इसका एडजेक्टिव का हो जाता है। फिर यहां मॉडल ऑक्सिलरीज में ये भी मॉडल वर्ड जो है सो नाउन नहीं है, इसका ग्रामेटिकल स्टेटस चेंज करता है, यहां ये एडजेक्टिव है। और एक वर्ड मैंने और दिया है आपको, वो है मॉडली, ये वर्ब है। जैसे मान लीजिए कि जितने मॉडल्स हैं उनके बारे में अगर कहना हो कि भाई इसके बारे में हम कैसे चीजों को अध्ययन करें, तो आप कह सकते हैं इसका इस्तेमाल में कि नाउ ऑल दिस वर्ड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड मॉडली। जितने मॉडल्स हैं उनको मॉडली ही एक्सप्लेन कर सकते हैं ना आप, तो इस तरह से हम लोग एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं मॉडली। तो ये जो कुछ पांच सात शब्द हैं, इस सेवन वर्ड्स में रिजेंबलेंस है और डिफरेंस भी है, तो इस डिफरेंस को इंग्लिश के स्टूडेंट होने के नाते मैं कहूँगा कि इसके डिफरेंस को आपको सदा स्मरण में रखना चाहिए। तो ये है वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम जो अक्सर स्टूडेंट पूछते रहते हैं क्लास में, जो लर्नर्स हैं उनकी ये मांग होती है, कभी मोड, कभी मूड, कभी मॉडल, कभी मोडेलिटी, कभी मॉड, ये सब शब्द आते रहते हैं, कभी मॉडल। तो इसलिए मैंने इन शब्दों को इकट्ठे यहाँ रख दिया, उनकी मीनिंग भी लिख दी, बता दिया आपको कि इसके मीनिंग को ठीक से समझने की कोशिश करें आप। अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इन शब्दों को एक्सप्लेन करने की तरफ, क्योंकि ये शब्द वैसे हैं कि अगर इसका परसेप्शन क्लियर नहीं हो तो फिर तो मुश्किल होती है बात, और फिर तब ये भी समझने में दिक्कत होती है कि क्यों हम मॉडल पर हैं, फिर इसकी उपयोगिता की गहराई भी समझ में नहीं आती है। तो ये आवश्यक है कि हम लोग इन सारे शब्दों को विथ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें। अब जैसे देखिए पहला शब्द यहाँ है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है ये है 11 शब्दों का एक कलेक्शन। जैसे वो 11 शब्द जो हैं उनको मैं आपके सामने चाहूँगा कि इसको आप जान जाएं, वो है जैसे डू, डज, डिड, एम, इज, आर, हैव, हैज, हैड, वॉज एंड वेयर। ये जो 11 जो वर्ड्स लिखे गए हैं आपके सामने, इनको ग्रामर प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहता है। और इसको एक दूसरे शब्दों में हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो इसको पहले हमको ध्यान में रखना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, इसके यूज हम की चर्चा हम करना चाहते हैं। इसके यूज दो तरह के बताए गए हैं, एक इसका यूज है एज ए फुल वर्ब, मतलब ये सब के सब फुल वर्ब भी हैं, शब्द वही होंगे
लेकिन इस्तेमाल होंगे फुल वर्ब की तरह। अब उसको देख लें जरा हम, जैसे हम एक छोटा छोटा वाक्य आपके सामने रख रहे हैं, जैसे आई डू, ही डज, ही डिड, आई एम, ही इज, दे आर, आई हैव, ही हैज, आई हैड, ही वॉज एंड दे वेर। अब यही प्राइमरी ऑक्सिलरीज, इसके दो फंक्शन हैं। अब ये अभी जो मैंने इस्तेमाल किया ये एज ए फुल वर्ब इनका इस्तेमाल किया गया। फिर मैं दोहरा देता हूं, जब प्राइमरी ऑक्सिलरीज फुल वर्ब की तरह फंक्शन करते हैं तो ये किसी और ऑर्डिनरी वर्ब को मदद कर नहीं कर रहे होते हैं, मदद नहीं करते। इसको ध्यान में रख लीजिए कि जब ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज एज ए फुल वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सब के सब किए जाते हैं, 11 के 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज जब इस्तेमाल किया जाता है ये एज ए फुल वर्ब, तो इसके साथ कंडीशन है कि कोई मेन वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही यह सेंटेंस में मेन वर्ब को मदद करने का कार्य शुरू करता है वैसे ही इसका स्टेटस चेंज करता है, तब ये फुल, जब ये हेल्प करता है तब ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, और जब ये किसी मेन वर्ब को हेल्प नहीं करता वैसी स्थिति में इसको हम हेल्पिंग वर्ब ना करके फुल वर्ब की संज्ञा देंगे। अब जैसे यहां देखिए, मैंने कहा है, फिर कहता हूं, आई डू, शी डज, ही डिड, आई एम, ही इज, दे आर, आई हैव या वी हैव या यू हैव, He had, she had, Mohan had, I had, he was, she was, या Mohan was, they were, we were, and you were। अब यहां चूंकि किसी भी मेन वर्ब को ये मदद नहीं कर रहे हैं इसलिए इनका स्टेटस यहां फुल वर्ब का है। तो ये फुल वर्ब की चर्चा मैंने की आपको। अब दूसरा स्टेटस है इनका हेल्पिंग वर्ब का, इन्हीं का संख्या यही है। अब जब ये जब हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा जब इसका, तो आप देखेंगे कि ये किसी न किसी मेन वर्ब को हेल्प कर रहे होते हैं, तभी इनका नाम हेल्पिंग वर्ब होता है। सिचुएशनल नाम है इनका, एक खास सिचुएशन में जब ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं ये हेल्पिंग वर्ब है, और जब ये किसी मेन वर्ब को हेल्प नहीं कर रहे होते हैं तो वहां इनका स्टेटस, ग्रामेटिकल स्टेटस चेंज करता है, और तब वहां हम लोग उनको फुल वर्ब की संज्ञा दे देते हैं। फुल वर्ब की चर्चा हो गई। अब यहां देखिए, अब इन्हीं शब्दों को एज ए हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे देखिए यहां है आई, जैसे डू आई गो, जैसे आई डोंट गो, जैसे डज शी गो, डज शी राइट, डज शी स्पीक, डिड आई लाइक, एम आई प्लेइंग या आई एम प्लेइंग, आई एम रनिंग, आई एम स्पीकिंग, जैसे ही इज राइटिंग, ही इज स्पीकिंग, दे आर ईटिंग, आई हैव गॉन, ही हैज गॉन, I had gone, he was going, they were running। तो इन सारे structures में जो मैंने आपको बताया, आप क्या देख रहे हैं कि all these primary auxiliaries जो हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी न किसी main verb को मदद कर रहे हैं। ये चीजें अस्पष्ट हो गई कि जब ये main verb को मदद कर रहे होते हैं वहां grammatical status इनका होता है helping verb का, और जिस सेंटेंस में ये स्वयं ही रहते हैं विद्यमान, इनका प्रेजेंस होता है, और देयर दे आर नॉट हेल्पिंग एनी मेन वर्ब, इट मीन्स दे आर यूज्ड एज फुल वर्ब। तो कहां ये फुल वर्ब है और कहां ये हेल्पिंग वर्ब है, इसकी चर्चा हमने आपके सामने रखी, इसका रिसर्च डिस्कशन किया गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब यहां हम लोग आए मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब क्या है। तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरी जो है उसकी संख्या है 13, 13 है इसकी संख्या, और ये है कैन,
could, can है, could, may, might, shall, should, will, would, used to, ought to, and must. मतलब ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ये ग्यारह जो संख्या हमने यहाँ लिखी मोडल ऑक्सिलरीज की मोडल वर्ब की, वो ग्यारह ये होते हैं वैसे तेरह, लेकिन दो को मैं एक्सेप्शनल स्टेटस दे रहा हूँ क्योंकि ये है नीड और डेयर, इनका एक्सेप्शनल स्टेटस इसलिए है कि ये एज ए मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं और एज ए फुल वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं। आगे जाकर जब मैं नीड और डेयर को एक्सप्लेन करूंगा तो इस स्टेटस को और इस डिफरेंस को मैं बहुत क्लियरली और बहुत एक्सटेंसिवली मैंने एक्सप्लेन किया है, आप नीड और डेयर के चैप्टर में विस्तार से इस पर सुनेंगे। लेकिन यहां आप जान जाएं कि मॉडल ऑक्सिलरी इज ए मॉडल वर्ब, इसके दो नाम हैं, इनकी संख्या है 11 और एक्सेप्शन में ये दो हैं नीड और डेयर। वैसे ये काम मॉडल ऑक्सिलरी का भी करते हैं, एक्सेप्शन हमने इसे रखा, ये केवल मॉडल वर्ब है 11, ये मॉडल वर्ब भी हैं और ये मेन वर्ब भी हैं, इनके दो स्टेटस हैं। तो इसलिए हमने एक्सेप्शन में दो आपको बता दिया, लेकिन 11 और दो मिलके 13 ऑल टुगेदर, यहां मैंने लिखा है 13, ये 13 ऑल टुगेदर हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। चूंकि ये भी दोनों मॉडल वर्ब तो है ही, मॉडल वर्ब भी हैं और फुल वर्ब भी हैं, इसलिए मैंने इनको एक्सेप्शन वाले खाने में रख दिया है और आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों एक्सेप्शन है ये। अब यहां देखिए मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये क्या है इसको भी समझना है, और इस चैप्टर में इन चीजों को शब्दों के द्वारा इसकी टर्मिनोलॉजी का जो रियल मीनिंग है जो एक्सप्लेनेशन है वो जानना चाहिए। देखिए यहां जो मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज है और इसमें चार की चर्चा हुई है, एक तो है नीड और दूसरा है डेयर और तीसरा है यूज टू और चौथा है ऑट टू। अब इसको जरा ठीक से समझना है हमको, इस चारों के लिए एक अलग नाम ग्रामर में दिया गया कि माने दीज फोर मॉडल वर्ब्स जो हैं दे विल बी कॉल्ड मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज। क्यों? तो खास बात यह है कि किन्हीं कारणों से नीड और डेयर ने अपने को मार्जिनलाइज कर लिया है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि 11 जो ये मॉडल्स हैं, ये मॉडल तो केवल मॉडल हैं या मॉडल वर्ब्स हैं, लेकिन इन दोनों का एक स्पेशल स्टेटस हो गया कि ये मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए इन कारणों से ये मार्जिनलाइज हो गए नीड और डेयर, और यूज टू और ऑट टू को भी इसी कैटेगरी में हम रखते हैं। इनका जो कैटेगराइजेशन हुआ है मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज वो इस कारण से हुआ है कि ये दोनों भी किन्हीं खास अर्थों में इन सबों से अपने को मार्जिनलाइज कर लेते हैं। उसका रीजन ये है कि इनके साथ आप टू का प्रयोग नहीं कर सकते, टीओ टू का प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि यूज टू और ऑट टू के साथ टू का प्रयोग करना मैंडेटरी है, बिल्कुल करना ही होगा आपको। तो इस तरह से एक अलग कारण से नीड और डेयर ने अपने को मार्जिनलाइज किया क्योंकि इसके स्टेटस दो हो गए हैं जबकि इनका एक ही स्टेटस है,
तो इनको मार्जिनलाइज होने का कारण दूसरा है, जबकि इनको मार्जिनलाइज होने का कारण ये है कि इनके बाद टू लगा हुआ है, जबकि बाकी सारे जो मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, उसमें कहीं भी टू का प्रयोग नहीं होता। तो इतने सारे शब्दों के विश्लेषण के साथ अगर आप चीजों को समझते हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए।